नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको सर के नीचे रखकर सोने से बनता है करोड़पति योग, होती है धन धान्य में वृद्धि और कर्ज मुक्ति मिलती है। दूसरा, व्यक्ति को किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए और किस दिशा में सिर करके सोने से व्यक्ति को धन हानि का सामना करना पड़ता है। तीसरा, ऐसा कौन सा मंत्र है जिसका आप सोने से पहले जाप करेंगे तो अगले दिन के आपके सभी काम बनेंगे और आपका करोड़पति बनने का योग बनेगा। तीन चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, किस दिशा में सर करके सोना चाहिए, सोने से पहले कौन सा मंत्र आपको जाप करना चाहिए और सोते समय तकिए के नीचे क्या रखकर सोएं कि आपका धन धान्य वृद्धि का करोड़पति बनने का योग बने। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए साथियों, विषय में आगे तो चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं आपको किस दिशा की ओर सिर करके सोने से करोड़पति योग बनता है। पश्चिमे प्रबला चिंता, पश्चिम में सर करके नहीं सोना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए हमेशा ही पूर्व में सिर करके व्यक्ति को सोना चाहिए। साथियों, उत्तरीय ध्रुव में गजब की चुंबकीय क्षमता होती है, वह आपकी बुद्धि को, आपके धन को नुकसान कर सकती है, इसलिए हमेशा ही आपको दक्षिण की तरफ सर करके सोना चाहिए। विद्या प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए पूर्व की तरफ सर करके सोना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी का स्पष्ट वर्णन मिलता है। आप अपने सिरहाने एक मोर पंख को रखकर यदि सोएंगे तो निश्चित रूप से 41 दिन के अंदर आपको भारी धन लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा और यह काफ़ी लाभकारी होता है। मोर पंख को सिरहाने रखकर, तकिए के नीचे रखकर सोना काफ़ी शुभ माना जाता है। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे मंत्र के विषय में जो रात्रि में जाप करना बेहद शुभ माना जाता है। साथियों, रात्रि में तमोगुण की अधिकता होती है। यदि आप सोने से 10-5 मिनट पहले ओम एम ह्रीम श्रीम माया देव्यै नमः इस मंत्र का 10 या 5 मिनट जाप करते हैं तो आपका अगला दिन काफ़ी बेहतर जाएगा। जो भी काम आपके अटके हुए हैं, लटके हुए हैं, रनिंग में आएंगे और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट इस मंत्र के रहने वाले हैं। आप एक साल तक करके देखिए, आपकी ज़िंदगी की तस्वीर आपको बदलती हुई नज़र आएगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको तीन चीज़ें बताई, रात्रि में किस दिशा में सर करके सोना चाहिए, सर के नीचे क्या रखना चाहिए, सोते समय का मंत्र। कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ भविष्य में भी। तब तक के लिए नमस्कार।